अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। ओके, तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नेम है माय फैमिली एंड आई, एंड दिस इज़ यूनिट 2, माय फैमिली एंड आई, मैं और मेरी फैमिली या मैं और मेरा खानदान। ठीक है, फैमिली इज़ बेटर। ओके, तो इसमें हम रीडिंग करेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमने करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली। इस पिक्चर को हमने देखना है और ये जो हमें आंसर्स दिए हैं वही इनके हमने जवाब देने हैं। अब देखें, इस पिक्चर को देख के हमें क्या समझ आ रहा है। ये कोई बर्थडे पार्टी है क्योंकि यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा है। ये फादर मदर, इसकी बर्थडे है, ये इसका ब्रदर है, सिस्टर है और आई थिंक सो ये फ्रेंड है। और बहुत सारे गिफ्ट्स भी हैं और ड्रिंक्स भी हैं और चॉकलेट्स भी हैं और ये केक भी है, ये चीज़ें और बलून्स भी हैं साइड। तो ये एक बर्थडे पार्टी के बारे में, मतलब एक बर्थडे पार्टी का सिनेरियो ने दिया हुआ है, तो हमने इसको देखते हुए अब इसके आंसर्स देने। ठीक है, लेट्स टॉक। तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ रिटन ऑन द बैनर। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर पीछे बैनर लगा हुआ है इस पर क्या लिखा है। तो बच्चों इस पर क्या लिखा है, एच ए डबल पी वाई हैप्पी, बी आई आर टी एच बर्थ, डी ए वाई डे हैप्पी बर्थ डे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, हैप्पी बर्थडे इज़ रिटन ऑन द बैनर। समझ आ गई? उन्हें पूछा हमसे क्या कि व्हाट इज़ रिटन ऑन द बैनर, बैनर पर क्या लिखा है। हमने इसका जवाब क्या दिया, हैप्पी बर्थडे इज़ रिटन ऑन द बैनर, हैप्पी बर्थडे बैनर पर लिखा है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द शेप्स ऑफ द गिफ्ट्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो गिफ्ट्स दिए हैं, ये जो गिफ्ट्स हैं इनकी क्या शेप्स हैं, हमने इनकी शेप्स बतानी है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले ये वाला गिफ्ट है हमारे पास, ये स्क्वायर शेप में है। देन ये बड़ा वाला गिफ्ट है, बिग साइज़ का है, रेक्टेंगुलर शेप में है। देन उसके ऊपर जो दूसरा गिफ्ट है वो भी स्क्वायर शेप में है, और उसके ऊपर एक छोटू सा है वो क्यूबिक शेप में है। और यहाँ पे एक आपको वैसे टॉफ़ी की तरह लग रहा है लेकिन ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है। ठीक है, इस शेप को ये कहते हैं, तो ये वो है। तो हम क्या लिखेंगे, What are the shapes of the gifts? The shape of the gifts are rectangular, square, cubic and rectangular prism. Okay? समझ आ गई? Next है, How many bottles are there on the table? इसका मतलब है कि tables पे कितनी bottles हैं। तो आपने देखना है table पे कितनी bottles हैं, 1, 2, 3, तीन bottles हैं। तो हमने क्या लिखना है, There are 3 bottles on the table. There are 3 bottles on the table. टेबल पर 3 bottles हैं। ठीक है, समझ आ गई। How are they feeling? इसका मतलब है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। फीलिंग मतलब जो उनकी एक फीलिंग, वो महसूस कैसा कर रहे हैं। How are they feeling? वो कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए, वो खुश हैं, excited हैं, तो हम लिखेंगे They are feeling excited and happy. They are feeling happy and excited. ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो खुश और एक्साइटेड हैं वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, डू यू लाइक टू शेयर योर बर्थडे गिफ्ट्स विद योर ब्रदर एंड सिस्टर, वाई। इसका मतलब है कि क्या आप अपने सालगिरह के या बर्थडे के जो गिफ्ट्स होते हैं, तोहफे होते हैं, वो अपने बहन भाई के साथ शेयर करना पसंद करते हैं, और अगर पसंद करते हैं तो क्यों। तो बच्चों आप करते हैं पसंद। देखें, शेयर करना अच्छी बात है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। ये एक अच्छी आपकी एक रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे येस आई लाइक टू शेयर माई बर्थडे गिफ्ट्स विद माई ब्रदर एंड सिस्टर बिकॉज आई फील हैप्पीनेस, क्योंकि मुझे खुशी महसूस होती है मैं जब अपने बहन भाइयों के साथ अपने सालगिरह के तोहफे उनके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये होगी, एक दफ़ा हम दोबारा से देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ रिटन ऑन द बैनर, बैनर पर क्या लिखा है, हैप्पी बर्थडे इज़ रिटन ऑन द बैनर, बैनर पर हैप्पी बर्थडे लिखा है। व्हाट आर द शेप्स ऑफ द गिफ्ट्स, गिफ्ट्स की क्या शेप हैं, तो हम लिखेंगे द शेप्स ऑफ द गिफ्ट्स आर स्क्वायर,
rectangular cubic and rectangular prism. Okay, how many bottles are there on the table? Table पर कितनी बोतलें हैं? तो हमने जवाब लिखना है, देखें तीन हैं. तो there are three bottles on the table. टेबल पर तीन बोतल हैं, ठीक है, बोतलें हैं. हाउ आर दे फीलिंग? ये सब कैसा महसूस कर रहे हैं? दे आर फीलिंग एक्साइटेड एंड हैप्पी. दे आर फीलिंग हैप्पी एंड एक्साइटेड, ठीक है, ये खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुशी की महसूस कर रहे हैं. डू यू लाइक टू शेयर योर बर्थडे गिफ्ट्स योर ब्रदर एंड सिस्टर? वाई? क्या आप अपने बहन भाइयों के साथ अपने सालगिरह के तोहफे शेयर करना पसंद करेंगे? तो इसका आंसर है येस, आई लाइक टू शेयर माई बर्थडे गिफ्ट्स माई ब्रदर एंड सिस्टर बिकॉज आई फील हैप्पीनेस. ठीक है, ये समझ आ गया, ये हो गया. अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, माई फैमिली एंड आई. अब ये जो हमारा टॉपिक है माई फैमिली एंड आई, वो हमें दिया है, हमने इसकी रीडिंग करनी है. और सबसे पहले प्री रीडिंग में हमें ये बताया है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन. सबसे पहले हमने पिक्चर्स को देखना है, देन हमने जो टाइटल है लेसन का वो रीड करना है. तो पिक्चर्स देखें, एक फैमिली की हैं, एक घर के अंदर रूम की हैं. और हमने क्या लिखना है इस पर, इसका टाइटल क्या है, माई फैमिली एंड आई. गेस व्हाट विल यू स्टडी इन दिस लेसन. हमने ये गेस करना है कि इस लेसन में, इस सबक में हम क्या पढ़ेंगे. तो इस पिक्चर्स को देख के और इस टाइटल को देख के तो हमें ये फील हो रहा है कि ये हम सोच रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं कि इसमें फैमिली के बारे में होगा, कि उसकी फैमिली है वो, और वो अपने बारे में बताएगा कि मैं क्या करता हूँ, मेरी कितनी फैमिली है, हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. माई फैमिली एंड आई. माई नेम इज़ साद. आई एम अ पाकिस्तानी. आई एम 6 years old. I live my parents, grandparents, two brothers and a sister. I am in class 1. I go to school in the morning. I eat my lunch during the break after washing my hands with soap and water. I come back home at 1 o'clock. First, I do my homework. Then I play with my brothers and sister in the evening. I have many toys to play with. Mostly I love to play with my toy train. I love to have dinner with my family. Every night my mother tells me a bedtime story. Then I go to sleep. Okay? ये हमने reading की है, अब हम इसकी translation भी करते हैं कि ये क्या क्या, इसका मतलब क्या है. ठीक है, सबसे पहले my name is Saad. मेरा नाम साद है. माई नेम इज़ साद. मेरा नाम साद है. आई एम अ पाकिस्तानी. मैं पाकिस्तानी हूँ. यहाँ पे वो अपनी नेशनलिटी बता रहा है कि मैं कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ, पाकिस्तान से. मैं पाकिस्तानी हूँ. आई एम 6 years old. मैं 6 साल का हूँ. मेरी उम्र 6 साल है. मेरी उम्र 6 साल है. आई लिव माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर. मैं अपने माँ बाप, दादा दादी और दो भाई और एक बहन के साथ रहता हूँ. यहाँ पे पेरेंट्स, माँ बाप को पेरेंट्स कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी को ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, टू ब्रदर्स, भाई को ब्रदर कहते हैं इंग्लिश में, एंड सिस्टर, बहन को सिस्टर कहते हैं. ठीक है, समझ आ गई. आई लिव विद माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर. मैं अपने माँ बाप या वालिदैन, मैं अपने वालिदैन, दादा दादी, अपने दो भाई और बहन के साथ रहता हूँ. ठीक है, आगे है. आई एम इन क्लास 1. मैं जमात अव्वल में पढ़ता हूँ, या फिर मैं क्लास 1 में पढ़ता हूँ. आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग. मैं सुबह सवेरे स्कूल जाता हूँ. मैं स्कूल जाता हूँ कब, सुबह स्कूल जाता हूँ. आई ईट माई लंच ड्यूरिंग द ब्रेक आफ्टर वॉशिंग माई हैंड्स विद सोप एंड वाटर. मैं दोपहर में, ड्यूरिंग द ब्रेक या ब्रेक का जो टाइम होता है, उस टाइम में अपना लंच करता हूँ. आफ्टर वॉशिंग, हाथ सोप साबुन और पानी से धोने के बाद, हाथ में अपने हाथ साबुन और पानी से धोने के बाद अपना लंच ब्रेक टाइम में करता हूँ या खाता हूँ. ठीक है, आई ईट, खाता हूँ. ठीक है. आई कम बैक होम एट 1 o'clock. मैं 1 बजे वापस घर आता हूँ. आई कम बैक मतलब मैं वापस आता हूँ, होम, घर, एट 1 o'clock, 1 बजे. ठीक है. फर्स्ट, सबसे पहले, आई डू माई होमवर्क. होमवर्क
मैं अब सबसे पहले अपना होमवर्क करता हूँ. होमवर्क जो आपको स्कूल में काम मिलता है उसको होमवर्क करते हैं. देन उसके बाद आई प्ले विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर इन द इवनिंग. उसके बाद शाम में मैं अपने भाइयों और बहन के साथ खेलता हूँ. आई हैव मैनी टॉयज टू प्ले विद. मेरे पास बहुत से खिलौने हैं खेलने के लिए. टॉयज खिलौनों को कहते हैं. टॉयज किसको कहते हैं? खिलौनों को. मेरे पास बहुत से टॉयज हैं खेलने के लिए. मोस्टली ज़्यादातर मतलब मोस्टली अक्सर ज़्यादातर आई लव टू प्ले विद माई टॉय ट्रेन. मैं अपनी टॉय ट्रेन के साथ खेलना पसंद करता हूँ. अक्सर या ज़्यादातर मैं अपनी टॉय ट्रेन के साथ खेलना पसंद करता हूँ. टॉय ट्रेन यूज का एक खिलौना है टॉय ट्रेन. ठीक है. आई लव टू हैव डिनर विद माई फैमिली. मैं अपने फैमिली के साथ रात का खाना खाना पसंद करता हूँ. डिनर कहते हैं जो रात का खाना होता है, लंच जो दिन का खाना होता है. ठीक है. और ब्रेकफास्ट जो हम सुबह नाश्ता करते हैं. नाश्ते का ब्रेकफास्ट, दिन के खाने को लंच और रात के खाने को डिनर. ठीक है. तो इसका क्या है कि आई लव टू हैव डिनर विद माई फैमिली. मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करना पसंद करता हूँ या रात का खाना अपनी फैमिली के साथ खाना पसंद करता हूँ. एवरी नाइट हर रात. रात को क्या कहते हैं? नाइट. और दिन को क्या कहते हैं? डे. डे एंड नाइट. दिन को डे कहते हैं और रात को नाइट कहते हैं. एवरी नाइट हर रात माई मदर टेल्स मी अ बेड टाइम स्टोरी. मेरी अम्मी मुझे बेड टाइम स्टोरी या कहानी सुनाती हैं. देन आई गो टू स्लीप. और फिर मैं सोने चला जाता हूँ या सो जाता हूँ. ठीक है. ये हो गया. समझ आ गई होगी. आई होप सो आपको समझ आ गई होगी. यहाँ पर एक उनने हमें ब्लॉक दिया है, एक आप कह सकते हैं फिलिंग दी ब्लैंक दी है, उसका हमने बताना है. वाइल रीडिंग साद प्लेज विद हिज डैश. तो हमने अभी पढ़ा था कि साद किसके साथ ज़्यादा खेलता है? विद हिज टॉय ट्रेन. उसको टॉय ट्रेन के साथ खेलना पसंद है. ठीक है. उसके बाद है व्हाट डू यू लाइक टू हैव फॉर लंच. ये आपसे पूछा है कि आपको लंच में क्या पसंद है. तो बच्चों मैं अपना बताऊं तो आई लाइक टू ईट राइस इन द लंच. मुझे लंच में राइस खाना पसंद है. आपने अपनी फेवरेट जो भी फूड है आइटम है उसके बारे में बता देना है. शेयर थ्री थिंग्स दैट यू डू आफ्टर स्कूल. और आपने स्कूल के बाद आप क्या क्या काम करते हैं वो आपने शेयर करने हैं. जैसे फर्स्ट आई डू माई होमवर्क, देन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, and then I just play with my toys or dolls, something like that. वो आपने बताने हैं. ठीक है. जो आप करते हैं काम स्कूल के बाद, तीन काम आपने बताने हैं. ठीक है. अब हम आगे आ जाते हैं. ये कंप्लीट हो गया. आगे है ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स. यहाँ पर हमें साउंड्स दी हैं, हमने वो लर्न करनी है. ठीक है. लेटर साउंड्स, मैच द पिक्चर्स विद द लेटर साउंड्स. हमें ये लेटर साउंड्स दी हुई हैं, जैसे ए यू वी जे ई एस. इसको हमने पिक्चर्स के साथ मैच करना है कि कौन सी पिक्चर के साथ कौन सी साउंड आएगी. देखें, सबसे पहले एलिफेंट हमें नज़र आ रहा है, तो एलिफेंट ई से, एलिफेंट. तो यहाँ पे हम ई से इसको ज्वाइन कर लेंगे, एलिफेंट. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ सोप. ये साबुन है, तो हम इसको किससे मैच कर लेंगे? सोप. कैसे होता है सोप? एस ओ ए पी, सोप. सा सोप. इसको हमने एस से मैच कर लिया. ठीक है. एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल. इसको हमने ए को ए से आता है ना, आ एप्पल एप्पल, तो वो हमने ए से मैच कर दिया. नेक्स्ट वैन, वी वैन, वी वैन वी. ठीक है. अम्ब्रेला, यू अम्ब्रेला, यू छतरी है. ठीक है. जग, जे जग, जे. तो समझ आ गया. ये एलिफेंट है, सोप सोप साबुन को कहते हैं, एलिफेंट हाथी को कहते हैं, ये एनिमल है. एप्पल सेब को कहते हैं, वैन गाड़ी को कहते हैं, अम्ब्रेला छतरी को कहते हैं, और जग जग होता है जिसमें हम पानी जो भी डालते हैं. तो इसकी साउंड कैसे आई? एलिफेंट ई, सोप एस, एप्पल ए, वैन वी, अम्ब्रेला यू, जग जे. ठीक है, समझ आ गई. ये हो गया. अब हम आगे चलते हैं. रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस हाउ द डिफरेंट लेटर्स हैव डिफरेंट साउंड्स इन अ वर्ड. हमें उनने ये कहा है कि नीचे जो गिवन वर्ड्स हैं उनको रीड करें और नोटिस करें कि कैसे जो मुख्तलिफ लेटर्स हैं वो डिफरेंट साउंड्स बनाते हैं हर लफ्ज में. ठीक है. तो अब हम देखते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी. जैसे फैन, पंखा है, एफ ए एन फैन. तो यहाँ पर एक देखें, फा आ ना, तो ये सारी साउंड्स मिलके उनने एक डिफरेंट वर्ड बना दिया,
फैन, यहाँ पे कप है सी यू पी कप, ठीक है। पी आई एन पेन, डिफरेंट वर्ड्स बना रहे ना साउंड्स मिलके। बी ओ एक्स बॉक्स, एन ई टी नेट, सी ए टी कैट, समझ आ गई। देखें डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट लेटर्स हैं, जैसे एफ ए एन, तो इससे एक नया वर्ड बन गया, एक डिफरेंट वर्ड बन गया फैन। अब ये जो साउंड्स हैं जैसे सी यू पी है, इनको हमने मिलाया और एक नया वर्ड बन गया कप, ठीक है। पी आई एन अलग डिफरेंट लेटर्स हैं और डिफरेंट, इसने डिफरेंट साउंड बना दी, बिल्कुल एक नया वर्ड बना दिया। पेन, बी ओ एक्स बॉक्स, एन ई टी नेट, सी ए टी कैट, ठीक है, समझ आ गई, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। तो बच्चों स्पीक, आपको इंग्लिश बोलने के लिए आपको डायलॉग्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, देन आप इंग्लिश बोल सकेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ डायलॉग्स दिए हैं जो हमने पढ़ने, उन्होंने कहा है कि रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स, ये रीड करें और प्रैक्टिस करें इन डायलॉग्स को, ठीक है। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, आई एम मरियम, मेरा नाम मरियम है या मैं मरियम हूँ। हाउ आर यू, आप कैसी हो, ये मरियम है, वो क्या कहती है, अस्सलामु अलैकुम, आई एम मरियम, अस्सलामु अलैकुम, मैं मरियम हूँ। हाउ आर यू, आप कैसी हो, हम जब किसी से किसी का हाल पूछते हैं ना तो हम उसको कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो, समझ आ गई। आगे है वालेकुम अस्सलाम, आई एम सारा, ये सारा है, ये कहती है वालेकुम अस्सलाम, आई एम सारा, मैं सारा हूँ। आई एम फाइन, फाइन मतलब ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तो बच्चों ने हमें इधर एक सिंपल चीज़ें बताई हैं कि जब हम अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं तो हम क्या कहेंगे, आई एम मरियम, आई एम सारा, आई एम आशा, आयशा, आई एम लुबना, आई एम सना, ठीक है। और जब हम किसी से पूछेंगे कि आप कैसे हो तो हम क्या कहेंगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है। और जब हमें जवाब देना होगा कि हाँ मैं ठीक हूँ तो हम क्या कहेंगे, आई एम फाइन, आई एम फाइन, समझ आ गया। फाइन वर्ड हम इधर क्यों यूज़ करेंगे, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, समझ आ गया, ठीक है। तो इधर एक दफ़ा हम प्रैक्टिस दोबारा से कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम, आई एम मरियम, हाउ आर यू, वालेकुम अस्सलाम, आई एम सारा, आई एम फाइन, थैंक यू। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है रीड द डायलॉग्स ऑन द प्रीवियस पेज एंड प्रैक्टिस इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इन द क्लास। आपने जो हमने पीछे जो डायलॉग्स अभी पढ़े हैं उनको प्रैक्टिस करना है, देन आपने क्लास में प्रैक्टिस करके अपना इंट्रोडक्शन कराना है। जैसे आप अहमद हो, आपने क्या कहना है, अस्सलामु अलैकुम, आई एम अहमद, हाउ आर यू, आपने अली से पूछना है, तो अली क्या कहेगा, वालेकुम अस्सलाम, आई एम अली, आई एम फाइन, थैंक यू, इस तरह करके, ठीक है, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन अपना करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। इसका है कि ये जो सवाल दिए हुए हैं इनके आपने जवाब देने हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल है हाउ मैनी सिस्टर डज साद हैव, कि साद की कितनी बहनें थीं या कितनी बहनें हैं, साद की कितनी बहनें हैं, तो हमने क्या लिखना है, साद हैज़ ओनली वन सिस्टर, साद हैज़ ओनली वन सिस्टर, साद की सिर्फ एक बहन है। राइट टू थिंग्स दैट साद डज व्हेन ही कम्स बैक होम फ्रॉम स्कूल। उन्होंने हमें कहा कि आप कोई दो ऐसी चीज़ें लिखें जो साद करता है जब वो स्कूल से घर आता है, कि साद जब स्कूल से घर आता है तो घर आकर क्या काम करता है, वो दो को आपने काम लिखने। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ही डज हिज होमवर्क, सबसे पहले वो अपना काम करता है। देन ही प्लेज विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर्स एंड सिस्टर इन इवनिंग, फिर वो अपने बहन भाइयों के साथ खेलता है शाम में। क्या हम करेंगे, फर्स्ट ही डज हिज होमवर्क, सबसे पहले वो अपना होमवर्क करता है। देन ही प्लेज विद हिज सिस्टर एंड ब्रदर्स इन द इवनिंग, फिर वो अपने बहन भाइयों के साथ शाम में खेलता है, समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द इवनिंग, आपने बताना है कि आप शाम में क्या करना पसंद करते हैं, कि शाम के टाइम आप क्या करना पसंद करते हैं। आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, और आप ये भी कह सकते हैं आई लाइक टू प्ले विद माई टॉयज़, और ये भी कि आई लाइक टू प्ले विद माई ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है,
इनमें से आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई? कि मुझे खिलौनों के साथ खेलना पसंद, मुझे अच्छा लगता है शाम में खिलौनों के साथ खेलना, या मैं अपने भाई बहन के साथ शाम में खेलना पसंद करता हूँ, या आप कह सकते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ शाम में खेलना पसंद करता हूँ, ठीक है, ये समझ आ गई? सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिस्टर डज साद हैव? साद हैज़ ओनली वन सिस्टर. राइट टू थिंग्स दैट साद डज व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम होम फ्रॉम स्कूल. फर्स्ट ही डज हिज होमवर्क, देन ही प्लेज विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर. व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द इवनिंग? आई लाइक टू प्ले विद माई टॉयज इन द इवनिंग. ठीक है, ये हो गया. अब हम आगे चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स. उनने हमें कहा है कि ये हमने ब्लैंक्स आपको दी हैं, आपने फिल करनी है, और हमने साथ वर्ड्स भी दिए हैं. उन वर्ड में से जो एग्जैक्ट वर्ड है वो आपने यूज़ करते हुए उनको फिल करना है. ठीक है, सबसे पहले है दिस इज़ एन डैश. देखें ये क्या है, ये हमें सामने माल्टे की पिक्चर है ऑरेंज की, उनने हमें वर्ड दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज़ एन ऑरेंज. दिस इज़ एन ऑरेंज. ऑरेंज ये फ्रूट है, माल्टा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑरेंज. क्या बोलते हैं? ऑरेंज. इट्स लीव्स आर ग्रीन. इसके पत्ते सब्ज रंग के. ग्रीन उनने हमें वर्ड दिया हुआ है, हमने उसको फिल कर दिया. इसके पत्ते सब्ज रंग के. लीव्स पत्तों को कहते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर सब्ज रंग जो होता है. ठीक है, इट्स लीव्स आर ग्रीन. आई डैश इट. अब क्या वर्ड दिया? वेल लाइक. आई लाइक इट. लाइक मतलब मैं इसे पसंद करता हूँ. तो क्या हो गया? दिस इज एन ऑरेंज, इट्स लीव्स आर ग्रीन, आई लाइक इट. ठीक है, आगे है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस. हमने लेसन अभी पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि आप दोबारा से इसको पढ़ें और जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको फिल करें करेक्ट ऑप्शन से. ठीक है, सबसे पहले है साद इज आर डैश ईयर्स ओल्ड. तो साद की हमने अभी पढ़ा, साद कितने साल का था? 4, 5, 6, 7. 6, गुड. साद 6 साल का था, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे. 6 को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? 6. तो हम क्या लिखेंगे? साद इज 6 years old. ठीक है, नेक्स्ट है साद हैज़ डैश फैमिली मेम्बर्स. साद के कितने फैमिली मेम्बर्स थे? मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, ये 4 हो गए. एक सिस्टर, उसकी एक बहन थी, 5, और 2 भाई थे, 6, 7. तो ये कितने हो गए? साद हैज़ 7 फैमिली मेम्बर्स. साद को हम क्या कहते हैं? 7. साद हैज़ 7 फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं. साद वॉशेस हिज हैंड विद डैश इन वाटर. साद, इसका मतलब ये कि साद पानी और किस चीज़ के साथ अपना हाथ धोता था? धोता है सोप, सॉइल, ऑयल, लोशन. सोप यानी साबुन के साथ, सॉइल यानी मिट्टी, ऑयल यानी तेल, लोशन ये जो लोशन होता है, तो वो किससे धोता था? सोप, साबुन के साथ. तो हमने इधर क्या लिखना है? साद वॉशेस हिज हैंड विद सोप, SOAP, सोप एंड वाटर. साबुन को क्या कहते हैं? सोप कहते हैं. ठीक है, साद्स मदर, साद्स डैश टेल हिम अ बेड स्टोरी. साद को कौन बेड टाइम पे स्टोरी सुनाता था? सिस्टर, फादर, मदर, ब्रदर. तो उसकी अम्मी उसको बेड टाइम स्टोरी सुनाती थी, तो हम इधर क्या लिखेंगे? मदर. साद्स मदर टेल्स हिम अ बेड टाइम स्टोरी. MOTHER, मदर, अम्मी को मदर कहते हैं. ठीक है, ये हो गया. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. उनने कहा है कि ये जो हमने वर्ड्स दिए हैं इनको आप पढ़ें और इनके जो हैं मीनिंग्स जो हैं वो भी आप समझें. ठीक है, और हमने इन वर्ड्स को इन मीनिंग के साथ पढ़ना है. सबसे पहला स्टडी, स्टडी, STUDY, स्टडी. इसका मतलब क्या है? टू लर्न बाय रीडिंग आर अटेंडिंग स्कूल. टू लर्न बाय रीडिंग मतलब याद, जो हम याद करते हैं या पढ़ते हैं कोई, और अटेंडिंग स्कूल या फिर हम स्कूल जाते हैं तो जो हम काम करते हैं उसको स्टडी कहते हैं. ठीक है, कम्प्लीट, COMPLETE, कम्प्लीट. कम्प्लीट होता है टू फिनिश अ टास्क. कम्प्लीट का मतलब होता है ख़त्म कर देना. तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू फिनिश अ टास्क, और आप ये भी कह सकते हैं आई हैव कम्प्लीटेड द टास्क. मैंने टास्क कम्प्लीट कर दिया है, या मैं इस टास्क को ख़त्म करने जा रहा हूँ. तो टू फिनिश अ टास्क मतलब ख़त्म करना, कम्प्लीट करना, मुकम्मल करना, और कम्प्लीट का मतलब यही है. टॉय, TOY, टॉय. टॉय किसको कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले विद. ऐसी चीज़ जिसके साथ बच्चे खेलते हैं, बच्चों की खेलने की जो चीज़ होती है उसको टॉय कहते हैं. खिलौने जो आपके होते हैं उनको टॉयज़ कहते हैं. समझ आ गई? स्टडी, कम्प्लीट, टॉय. ठीक है, आगे है
रीड द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स. अब ये हमें नंबर्स दिए हुए, हमने इनको वर्ड्स में करने. सबसे पहले देखें, ये एक सिर्फ एक साइकिल है, ठीक है. तो वन, इसका नंबर क्या है, वन, यानी एक, ओ एन ई वन. अब इधर हमें कितने फुटबॉल्स हैं, दो, वन टू, दो फुटबॉल्स हैं, तो इनका नंबर क्या आएगा, टू, टी डब्ल्यू ओ टू. अब बलून्स कितने हैं, वन टू थ्री, तीन बलून्स हैं, तो इनका हम कितना आएगा, थ्री, थ्री बलून्स, टी एच आर डबल ई थ्री. अब ये कितने हैं, वन टू थ्री फोर, फोर, एफ ओ यू आर फोर. ये फोर कोई फ्रूट है, आई थिंक सो ऑरेंजेस हैं, फोर ऑरेंजेस, ठीक है. एफ ओ यू आर फोर, चार को कहते हैं, ठीक है. फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, पाँच, पाँच सेब हैं यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, पाँच को फाइव, एफ आई वी ई फाइव एप्पल्स, ठीक है. बनानास सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स कितने होते हैं, छः, उर्दू में हम छः गिनते हैं, उनको हम सिक्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिक्स, एस आई एक्स, सिक्स बनानास. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सात, सात हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, सेवन, एस ई वी ई एन, सेवन. अब ये बॉल्स कितनी हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट बॉल्स हैं, यानी आठ गेंदे हैं, तो हम क्या कहेंगे, एट, एट बॉल्स. स्टार्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नौ, नौ सितारे हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, नाइन सितार्स, नाइन स्टार्स. अच्छा, ये क्या है, स्ट्रॉबेरीज टाइप कुछ है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन, दस हैं, तो हम क्या कहेंगे, टेन, ठीक है. तो ये हमने काउंटिंग पढ़ी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, समझ आ गई. अब हम आगे चलते हैं. रीड द यूनिट अगेन. आप यूनिट को दोबारा से पढ़ें. एंड सर्कल द नंबर्स यू फाइंड इन द टेक्स्ट. तो जो आपने इस यूनिट में यानी इस चैप्टर में जो नंबर्स आए हुए थे वो आपने सेलेक्ट करने हैं. जैसे टू, टू वहाँ पे क्या आया था कि सात के दो भाई हैं, उसके दो भाई हैं, तो वहाँ पे टू आया था, तो हम क्या टू को करेक्ट कर लेंगे. फोर, फोर के बारे में कोई बात नहीं होती. सिक्स, सिक्स आया था क्योंकि सात इज सिक्स ईयर्स ओल्ड, कि सात छः साल का है, ठीक है, तो हमने सिक्स को सर्कल कर लिया. एट, एट नहीं आया था. टेन, टेन की भी बात नहीं थी. वन, वन हुआ था कि सात हैज़ ओनली वन सिस्टर, सात की सिर्फ एक बहन है, तो ये हमने सर्कल कर दी. अब हम आगे चलते हैं. आगे है रीड द वर्ड्स बिलो एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स, ऑल्सो ट्रेस इन कॉपी देम. उनने कहा कि नीचे जो वर्ड्स दिए हैं आपने उनको पढ़ना है, उनके स्पेलिंग्स याद करने हैं, एंड आफ्टर ट्रेस, एंड उसके बाद आपने इनको ट्रेस करना है और कॉपी करना है, ठीक है. तो सबसे पहला लफ्ज़ है स्टडी, इसके स्पेलिंग क्या है, एस टी यू डी वाई, स्टडी. अब नीचे उनने हमें दिया हुआ, इसको हमने ट्रेस करना है, एस टी यू डी वाई स्टडी, और उसके बाद हमने इसको कॉपी कर देना है. जो एम्प्टी ब्लॉक है, खाली ब्लॉक उन्हें दिया हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, एस टी यू डी वाई स्टडी, पढ़ने को कहते हैं. तो ये क्या हो गया, जो तालीम हासिल करते हैं, स्टडी, एस टी यू डी वाई स्टडी. नेक्स्ट वर्ड है लंच. लंच मैंने आपको बताया था दिन के खाने को कहते हैं, इसके स्पेलिंग क्या है लंच के, एल यू एन सी एच, लंच, एल यू एन सी एच, लंच, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्ले, पी एल ए वाई, प्ले, पी एल ए वाई, प्ले, यानी खेलना. तो ये क्या है, पी एल ए वाई, प्ले, अपने ट्रेस करने हैं, दिन कॉपी करने हैं. स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल, स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल, आपने कॉपी करना है, देन ट्रेस करना है, देन कॉपी कर देना है. मदर, एम ओ टी एच ई आर, मदर, आपने ट्रेस करना है, देन कॉपी कर लेना. तो हमने क्या वर्ड्स बनाए, स्टडी, जिसके स्पेलिंग थे एस टी यू डी वाई, स्टडी. फिर हमने लंच पढ़ा, लंच के स्पेलिंग क्या थे, एल यू एन सी एच, लंच. प्ले, पी एल ए वाई, प्ले. स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल. मदर, एम ओ टी एच ई आर, मदर, ठीक है. नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कम्प्लीट द वर्ड्स. हमने हमें ये उनने ब्लैंक्स दी हुई हैं, अब इनमें जो मिसिंग लेटर्स हैं वो हमने लिख कर इन वर्ड्स को कम्प्लीट करने. उनने कहा है कि फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कम्प्लीट द वर्ड्स, इन अल्फाज को पूरा करने के लिए जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको फिल करें. तो सबसे पहले है एच ओ डैश ई, तो हम ये क्या हो गया, एच ओ एम ई, होम, ये वर्ड होम बन गया, तो हम इधर एम मिसिंग था तो हमने वर्ड बना दिया होम, एच ओ एम ई, होम. एस टी डैश आर वाई, तो हम यहाँ पे ओ लिख देंगे तो ये बन जाएगा स्टोरी, एस टी ओ आर वाई, स्टोरी. डैश आई एस टी ए आर, एस, एस आई एस टी ई आर, सिस्टर. ई डैश टी, ई ए टी, ईट.
ट्रेन TRAIN ट्रेन, तो ये हमने क्या वर्ड्स बना लिए, होम स्टोरी सिस्टर ईट ट्रेन. अब इधर हमें उनने साइड पे दिया हुआ है वन सिलेबल वर्ड्स के नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड आर प्रोनाउंस इन वन गो, फॉर एग्जांपल कैट बुक एक्सेट्रा. तो बच्चों जो वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं वो क्या कौन से होते हैं, जिनको हम सिर्फ एक ही फ्लो में पढ़ लेते हैं, उनमें हम दो बार मतलब टू पार्ट्स में उनको डिवाइड नहीं करते, वो जस्ट एक ही गो में हम उसको पढ़ लेते हैं. जैसे कैट बुक, अब इसमें दो वर्ड्स तो नहीं आए ना, इसमें सिर्फ एकदम से कैट बुक ठीक है. अब नेक्स्ट है टू सिलेबल वर्ड्स, तो टू सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं, टू सिलेबल वर्ड्स आर प्रोनाउंस इन टू पार्ट्स, दो जो सिलेबल वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउंस्ड होते हैं, उनको बोला जाता है दो पार्ट्स में और वो टुगेदर इकट्ठे बोला जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे ब्रदर ठीक है, इवनिंग. अब हम इस तरह नहीं बोलेंगे ब्रदर, हम इकट्ठा बोलेंगे लेकिन इसमें दो सिलेबल वर्ड्स आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे ब्रदर और इवनिंग, दो वर्ड दो सिलेबल ये वर्ड्स हैं लेकिन हम कैसे बोलेंगे इसको इकट्ठा, साथ बोलेंगे इवनिंग ठीक है. वन सिलेबल वर्ड की समझ आ गई, टू सिलेबल वर्ड्स की भी समझ आ गई. अब हम आगे चलते हैं, रीड द गिवन साइट वर्ड्स, ये हमें साइट वर्ड्स दिए, हमें इनको पढ़ना है. टू एंड ही यू आई द, टू एंड ही यू आई द, रीड ईच साइट वर्ड इन द शेप बॉक्स That fits the first one has been done for you. अब हमें उनने ये कहा है कि नीचे ब्लॉक्स दिए हुए और जो भी साइट वर्ड उसमें एडजस्ट हो रहा है आपने वो लिखना है. और पहला उनने हमारे लिए किया हुआ जैसे THE दी ठीक है, इसको दा भी बोलते हैं. अब नेक्स्ट देखें, बड़ा ब्लॉक है और एक छोपू, तो इसमें क्या आएगा, कैपिटल टी मतलब टी आएगा और ओ टू. नेक्स्ट वाई ओ यू यू, नेक्स्ट में ए एन डी एंड, क्योंकि लास्ट वाला कैपिटल ब्लॉक है तो उसमें डी आएगा, ए एन डी एंड. सिंगल ब्लॉक है आई, कैपिटल ब्लॉक है देन छोटा सा ब्लॉक है तो इसमें एच ई ही ठीक है. ये हो गया, अब हम आगे चलते हैं. आगे क्या है, आगे है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो.